आज मैं आपको गर्मियों में खाए जाने वाला ठंडा ठंडा और टेस्टी बूंदी का रायता बनाना बताती हूँ, कैसे बनाया जाता है। और रायता तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होता है, ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगता है। और अगर खाने के साथ रायता मिल जाए तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, अगर बूंदी का हो तो मजा ही आ जाता है। तो आज हम स्पेशल मसाले के साथ बूंदी का रायता बनाएंगे, उससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम रायते में डालने वाला मसाला बना लेते हैं। उसके लिए ये हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, वो हम इस पैन में डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग। अब हम मसाले को स्लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट करीब भून लेते हैं। इस तरीके से जब हम भून करके मसाले को रायते में डालते हैं तो रायते का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और अगर इस तरीके से फ्रेश भून के डालें तो और भी अच्छा है। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये मसाला भी भून गया है। मसाले के अंदर से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मसाले को ठंडा होने देते हैं। ये हमने 1 कप बूंदी ली है, इसे हम इस बॉल में डाल देते हैं। अब इसके अंदर 1 कप हल्का गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे बूंदी फूल जाएगी। अब बूंदी को हम फूलने के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इधर मसाला भी ठंडा हो गया, इस मसाले को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब मसाले को मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने मसाले को मिक्सी दरदरा पीस लिया है। चलिए रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हम 2 कप फ्रेश दही लेंगे। अब इस दही को हम इस बाउल में डाल देते हैं। आप रायता जब भी बनाएं फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें। अगर हम थोड़े से खट्टे दही का इस्तेमाल करते हैं तो रायता खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। अब दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अभी ये दही मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। हम बूंदी का रायता बना रहे हैं तो बूंदी भी दही को अपने अंदर सोक करेगी, उसकी वजह से रायता थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। रायते को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला भी कर सकते हैं। पानी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इधर जो हमने बूंदी भिगोई थी वो भी अब फूल गई है, और इसमें से हम इस तरीके से बूंदी ले लेंगे और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल देते हैं। और इस बूंदी को हम रायते में डालेंगे। अब बूंदी को हम रायते में डाल देते हैं। इस तरीके से हम सभी बूंदी को रायते में डाल देते हैं। ये बूंदी पानी में भिगोने के बाद काफी फूल जाती है। ये हमने सभी बूंदी को दही में डाल दिया है। अब बूंदी को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में जो हमने मसाला बनाया था उसमें से हम 1 टेबल स्पून मसाला इसके अंदर डाल देते। ये मसाला बचा है, इसका यूज जब हम दोबारा रायता बनाएंगे उसमें कर लेंगे। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून कुटी वाली लाल मिर्च डाल देते। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कमी या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, इससे रायते में फ्लेवर अच्छा आता है और रायता खाने में भी टेस्टी लगता है। और काला नमक हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। 1/2 टीस्पून सफेद नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़े से सूखे वाले पुदीने के पत्ते लिए, इनको हम हाथ से क्रश करके डाल देते, इससे रायते में खुशबू अच्छी आती है और पुदीना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये शरीर को ठंडक देता है। इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाल देते। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम तीखा रायता पसंद है, इसीलिए मैंने 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देते और सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये बूंदी का रायता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। मैंने अपने चैनल पर काफी तरह की रायते की रेसिपियां डाली हुई हैं, उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उन सभी रायते की रेसिपियों को देख सकते हैं। अब ये रायता बनके तैयार हो गया है। रायते को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे रायता इसी टाइप का पसंद है।
अब हम इस रायते को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। वैसे तो हमने ठंडे दही और ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रायते को इस तरीके से भी खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा पसंद है तो अब मैं इस रायते को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 1 घंटा करीब हो गया है, अब ये रायता भी ठंडा हो गया है, इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया रायता बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस रायते को बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको कौन सा रायता ज्यादा पसंद आता है और किस किस को बूंदी का रायता पसंद है, ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे तो ये बूंदी का रायता बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आप इस रायते को सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो और आप इसको परांठे के साथ खाएं, खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब ये रायता देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते और थोड़ी सी हम इसके ऊपर मिर्च डाल देते। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं, इससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। देखिए कितना बढ़िया ठंडा ठंडा बूंदी का रायता बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रायते की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।